सीता के स्वयंवर के दौरान रावण और उसका भाई कुंभकर्ण आते हैं, लेकिन जब विश्वामित्र राम के नाम की घोषणा करते हैं तो वे बाहर आ जाते हैं। राम स्वयंवर जीतते हैं और सीता से शादी करते हैं, जबकि लक्ष्मण जनक की जैविक बेटी उर्मिला से शादी करते हैं। अगले दिन रावण अपने 10,000 सैनिकों के साथ मिथिला को घेर लेता है और राम को विश्वामित्र द्वारा जैविक हथियार असुर शस्त्र का उपयोग करने के लिए मजबूर किया जाता है। भले ही इसका उपयोग निषेध है और वायुपुत्रो भगवान रुद्र की जनजाति द्वारा अधिकृत नहीं है, लंका की सेना हार जाती है और रावण अपने हेलीकॉप्टर पुष्पक विमान पर भाग जाता है। राम अयोध्या लौटते हैं और हथियार के बारे में रुद्र के शासन को तोड़ने के लिए सजा के रूप में 14 साल का वनवास लेने का फैसला करते हैं। एक कुंठित मंथरा कैकेयी से अपनी जान बचाने के लिए दशरथ द्वारा दिए गए 2 वरदानों का उपयोग करके मामले की पुष्टि करने के लिए कहती है। इस प्रकार राम सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास लेते हैं।